वीक में इनका वीजा ग्रांट हुआ है। क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या बहुत ज्यादा थी? नहीं सर, कुछ भी बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं था। मजाक कर रहे हैं? नहीं, आपकी वीडियो फॉलो करते 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 यहाँ तक पहुँच गया। बहुत शुक्रिया कि आप मुझे फॉलो करते हैं। लो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तुहाडा अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनेडा। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ खास मेहमान आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और सरप्राइजिंगली इन्होंने आज विजिट किया है, और बेसिकली ही इज़ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से इनका ताल्लुक है, और ये खुद बताएंगे कि मेरी वीडियो देखने के बाद आज यहाँ मुलाकात के लिए आए हैं। इनसे डिटेल डिस्कशन करते हैं और पूछते हैं कि कैसे इनका इरादा हुआ कनाडा आने का, और कनाडा इनको कैसा लगा, और पूछते हैं तमाम तर सूरत हाल तफसीलात जानते हैं इनसे। क्योंकि इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया, उस पर लोग कह रहे हैं कि नहीं जी शायद ये इतना पॉसिबल नहीं होता, आप लोग शायद झूठ बोल रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है सर। सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम मिर्ज़ा शबीर बेग है, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई से। इंडिया मुंबई से हैं आप, और आप कनाडा कब आए? सर आके 4-5 days हो गया सर। इट्स बिन 4-5 days आप कनाडा आए हैं। सबसे पहले बताइए कनाडा कैसा लगा आपको? कनाडा सर इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, और बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर कंट्री। ठीक है, मैं हर कंट्री में जो है विजिट किया, मैं गल्फ कंट्री इधर उधर, थाईलैंड गया, दुबई गया, इधर गया, बस कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आई थिंक। अच्छा, कनाडा आपको सबसे बेहतरीन लगा है, और ये जानना चाहता हूँ कि आपने दिगर ममालिक का भी विजिट किया है, और जॉब आप कहाँ करते हैं? मैं जॉब सऊदी अरब में करता हूँ। आप सऊदी अरब में जॉब करते हैं, कितना अर्सा हो गया आपको सऊदी अरब? सऊदी अरब में तकरीबन मुझे 22 से 23 साल हो गए सर। सऊदी अरब में 22 से 23 साल हो गए आपको, क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं टेंडर एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर है। वेरी नाइस। और वीज़ा आपने अप्लाई कहाँ से किया? इंडिया से? इंडिया से किया सर वीज़ा अप्लाई। कितने दिन में ग्रांट हुआ वीज़ा? सर ग्रांट हुआ तकरीबन 1 week में हो गया सर। 1 week में इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। देखिए ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि 1 हफ्ते में इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है, और उसकी रीज़न क्या हो सकती है? आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या बहुत ज़्यादा थी? नहीं सर, कुछ भी बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं थी। मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं थी सर बैंक स्टेटमेंट। कितनी थी बैंक स्टेटमेंट आपकी? तकरीबन 10,000 रियाल होंगे, 10 से 15,000 रियाल। 10 से 15,000 रियाल बैंक स्टेटमेंट, जो कि नॉमिनल अमाउंट है इन दैट सेंस कि बैंक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है, और ख़ास करके इंडिया और कनाडा का जो अभी रिसेंटली जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आई, और उस प्रॉस्पेक्ट में भी समझा जा रहा था कि इंडियंस के वीज़े ग्रांट नहीं होंगे। लेकिन कनाडा इतना ज़बरदस्त मुल्क है, आपके सामने मिसाल मौजूद है कि जो परसेप्शन होती है लोगों की, जो लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी उससे डिफरेंट होती है। तो आपका वीज़ा 1 हफ्ते में ग्रांट हुआ है, मुबारक हो सबसे पहले। और बस आपकी वीडियो देख देख के आपकी वीडियो जो है थोड़ा वो हो गया एकदम, चलो करेंगे, अली भाई की वीडियो आ रही है, चलो फॉलो करते रहता हूँ मैं आपकी वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना तो लॉयर हूँ, मैं जनरल सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मोटिवेशन मिल गया सर जब आपकी वीडियो आती है, चलो एक अंदर से एक थोड़ा मोटिवेशन हो गया, चलो अली भाई की वीडियो आ रही है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। यूएस के लिए ट्राई किया, रिजेक्शन आया था। अच्छा, यूरोप के लिए भी 2023 में भी ट्राई किया था, रिजेक्शन आया था। अच्छा, 3 बार रिजेक्शन हो गया था, फिर आपकी वीडियो देखा मैं, एक मोटिवेशन आया, एक चलो लास्ट बार ट्राई कर लेंगे, तो फिर ये साल ट्राई किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि आपका कंटीन्यूअस रिजेक्शन होने के बावजूद आपका कनाडा का वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है 1 हफ्ते में, और सरप्राइजिंगली ये भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जब आप विंटर्स में अप्लाई करते हैं कनाडा का वीज़ा तो आपका ग्रांट नहीं होता, क्योंकि आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है। वीज़ा, तो ज़रा आप क्या रीज़न देंगे कि आप घूमने कहाँ जाएंगे, आप बर्फ में कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? ये भी है इनका। तो आपका किस मंथ में ग्रांट हुआ, ज़रा क्लियर करेंगे? हमारे दिसंबर में सर, 6 दिसंबर को मेरा इन्विटेशन लेटर आया, फिर आफ्टर 4-5 days में मैं अप्लाई किया मैं VFS में, मतलब तकरीबन टोटल 10 days के अंदर मेरा ऑलरेडी वीज़ा स्टैम्प हो गया। और ये प्रोसेस आपने इंडिया से की? इंडिया से बायोमेट्रिक इंडिया से किया। अच्छा, फिर आने के बाद जिद्दा आने के बाद फिर वहाँ से मैं VFS से अप्लाई किया, पासपोर्ट सबमिशन किया। वेरी नाइस। और सरप्राइजिंगली देखें, जैसा कि मिर्ज़ा भाई बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना होने के बावजूद, और उस तरह से ज़ाहिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी थोड़ी सी, चूँकि आपने बताया कि US का वीज़ा आपका रिजेक्ट हो रहा था, उसके बावजूद भी इट ऑल डिपेंड्स लक के अलावा। बस आपकी वीडियो फॉलो करते 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 यहाँ तक पहुँच गया।
बहुत शुक्रिया कि आप मुझे फॉलो करते हैं और वीडियो देखने के बाद ये यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही साथ ये बताइए कि आप मॉन्ट्रियल उतरे, मॉन्ट्रियल का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मॉन्ट्रियल का एक्सपीरियंस सर ऐसा है कि मोस्टली है वहाँ पर, मगर मोस्टली क्या फ्रेंच है सर वहाँ पर। आप किधर भी जाएंगे मोस्टली टोटली 99% फ्रेंच है वहाँ पर, तो ये दिक्कत है, थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो इंग्लिश आप बोलेंगे तो उस तरह से चल नहीं पाएंगे, नहीं चल पाएगी सर, क्योंकि इमिग्रेशन भी थोड़ा टाइट है वहाँ पर। मॉन्ट्रियल का इमिग्रेशन बहुत टाइट है थोड़ा। तो वो आपसे जो सवालात हुए जी, किस बारे में सवालात पूछे गए? सैलरी के बेस पे, आप फंड्स कितना लेके आए यहाँ पर, क्या जॉब करते, आपका टिकट, फिर आपका रिटर्न बैक, आप किधर जॉब करते, वो पूरा डिटेल लोग। अच्छा, तो वो फ्रेंच में पूछा या इंग्लिश में? इंग्लिश में पूछे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है ज़रा नए बंदे के लिए। लेकिन असल मसला ये वहाँ ये है कि अगर आपको फ्रेंच चाहती है तो या गुड टू गो, आप जॉब में भी एक्सेल कर सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंच का होना, क्योंकि क्यूबेक जो प्रोविंस है, हम अक्सर बेशतर बात भी करते हैं वीडियो में, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पर ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पर, तो अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल वहाँ पर मौसम कैसा है? मौसम सर है, ठंडी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत है मोस्टली, मगर बेस्ट कैलगरी इज द बेस्ट सिटी। सही, कैलगरी आपको अच्छा लगा? और अल्बर्टा, यहाँ भी तो स्नो है। नहीं, बटर यहाँ पर थोड़ा अच्छा, इंडियन अपने देसी कम्युनिटी है वो है, थोड़ा खाने पीने का टेंशन नहीं है, पर बेस्ट है सर। लेकिन लोग ये समझते हैं जी कि जो कनाडा में जो लोग रहते हैं, इतनी वहाँ पर बर्फबारी है, इतनी सर्दी है, सर्वाइव कैसे करते होंगे? तो आप नए आए हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि यहाँ पर कैसे हो जाता है सर, हालत के हिसाब से बस एडजस्ट करना पड़ता है बस। लेकिन देखें, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें हमें सर्दी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लग रही, तो अगर हम बाहर जाएंगे तो गाड़ी में बैठेंगे वहाँ पे हीटर होगा, हीटर है हर जगह, हीटर है बस। तो अगर अगर माइनस टेम्परेचर है तो उसका भी वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता सर, एक आदत हो जाती है बस, बॉडी जो है अपनी बस वो। लेकिन ये 3-4 महीने मतलब होती है, एडजस्ट हो जाता है बस। जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री में अगर आप जाएंगे, अब जैसा फॉर एग्जांपल सऊदी अरब चले गए, वहाँ की हीट ज़्यादा है तो नए पर्सन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ऐसे यहाँ पर सेम वही है। सही, गाड़ी में हीटर है, ऑफिस में हीटर है, घर में हीटर है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। मिर्जा भाई ये बताइए कि कितने टाइम के लिए आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है? हाँ सर, 5 ईयर्स का हुआ, टोटल 5 ईयर्स का हुआ है। वेरी नाइस, एज पर पासपोर्ट की वैलिडिटी के हिसाब से होता है वीज़ा ये। अच्छा, जितनी मेरा पासपोर्ट अगर 10 ईयर्स का है तो 10 ईयर्स का मिलेगा मुझे। तो वापसी आपकी कब की है? वापसी सर 15 जनवरी की है मेरी वापसी। अच्छा, वापस सऊदी अरब जाएंगे या इंडिया जाएंगे? सऊदी अरब जाऊंगा सर, एक्चुअली जॉब चल रही है मेरी यहाँ पर। अच्छा, बस वेरी नाइस। और ये बताएं कि सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है आपको यहाँ कनाडा की? सर सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ पर एजुकेशन फर्स्ट थिंग, और फैमिली के लिए जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज देती है इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। और लोग कैसे लगे आपको? लोग बहुत बेहतरीन है सर यहाँ के, और हमारे देसी कम्युनिटी के बारे में भी लोग कहते हैं कि सपोर्टिव नहीं होते, तावुन नहीं करते, नए बंदे से कैसा कोऑर्डिनेशन आपका ज़ाहिर वास्ता पड़ा है? नहीं, जैसा भी हमारे आपसे है, अपने हमारे नसीम साहब से, नसीम साहब से है, अलहमदुल्ला बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है, बहुत अच्छा लगा मिलके मुझे। सही, जैसे हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पर, बस आप लोग ही है सपोर्ट। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं ज़ाहिर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, इन्होंने आके मुझे कॉल की कि मैं मॉन्ट्रियल आ गया हूँ, तो मुझे लगा इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ आपसे मिलना है, और आपने ये बताया कि आपकी वाइफ वीडियोस देखती हैं मेरी, और उन्होंने आपको ज्यादा अर्ज किया कि जाके अली भाई से मिला मुलाकात करो। चले, भाभी को भी सलाम, और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर मॉन्ट्रियल, क्योंकि पहले बात नहीं हुई आपसे मेरी, अगर पहले होती तो मैं आपको कहता कि आप डायरेक्ट यहाँ कैलगरी आ जाएं, अल्बर्टा आ जाएं, और ज़ाहिर वो थोड़ा आप पहले मॉन्ट्रियल आए और वहाँ से फिर ये कैलगरी आए, और स्पेशली यहाँ मिलने के लिए। स्पेशली सर हम अली भाई से मिलने के लिए आए, उतना दूर से जिद्दा से, मैं यहाँ से मिलने के लिए अली भाई से यहाँ पर आया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इससे एक ये बात भी जाहिर होती है कि जो अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी लगा होगा कि यहाँ पे भाईचारा है, भाईचारा। आप जिस मुल्क से हैं, यहाँ पे हम सब भाइयों की तरह रहते हैं, ये नहीं कि आप सऊदी अरब में जैसा फॉर जी इन द बंगाली, इन द पाकिस्तानी, यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक जैसे बिल्कुल ऐसा ही है। तो सऊदी अरब में जो कल्चर है वैसा ही कल्चर आपको यहाँ पे मिला? नहीं नहीं सर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर। सही, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, पाली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट थिंग, जो ने मुझे सपोर्ट की है जो यहाँ पर आने के लिए और इनसे मिलने के लिए, बहुत मैं कोशिश कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई अली भाई से इंशाल्लाह। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए जी। प्लीज़ आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? और बच्चों के लिए, एजुकेशन, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कंट्री है सर यहाँ पर, ये एजुकेशन, ये जी बैक सपोर्ट सबसे अच्छा। मैं पढ़ रहा था कि जो नई पॉलिसी आई है उसमें मतलब एक मियां बीवी हैं वो काम करेंगे,
उनके पेरेंट्स आएंगे, दादा दादी, वो बच्चे देखेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, तो वो इजीली जाके काम कर सकेंगे। तो मैं सरप्राइजिंगली मतलब जो हमारा फैमिली का पुराना सिस्टम था उस सिस्टम को भी यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट सारे इस हिसाब से काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और खास करके इमिग्रेंट्स के लिए, और उनको वेलकम किया जाता है। और आपका यकीनन कनाडा का एक्सपीरियंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा गुजरेगा और आप वापस आप खैरियत से जाएं और इंशाल्लाह आपसे रहता रहेगा। और मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस चूँकि यहाँ के नए बंदे को प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट थिंग सर, हमारे अली भाई का इतना सपोर्ट है क्योंकि मैं सऊदी अरब से फॉलो कर रहा था उनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब देखो जब एनी टाइम जब भी कॉल करता कॉल मेरा रिसीव करते हैं, मुझे रिप्लाई देते हैं, इज़ द बेस्ट पर्सन जी मिर्ज़ा भाई। और बहुत अच्छा लगा अली भाई से मिल गया, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत शुक्रिया। बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं सर, बहुत कोऑपरेटिव बंदे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और अपने दोस्तों के लिए भी ये पैगाम है कि जहाँ रहें खुश रहें, और आपसे जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।